अभी हम चला गया है नंदी से नीचे जा रहा है तो ये बताया था ना सभी वो नंदी का पॉइंट था इसीलिए ना टिप्पू का नाम था जो टाइगर ऑफ मैसूर बोलता था वो कर्नाटका का फ्रीडम फाइटर था वो उसने यहाँ से भेज दिया है घोड़ा लेके इसको पहले क्या बताया था नंदी के बारे में नंदी को यहाँ से था टिप्पू सुना था उसका नाम तो मुझे फ्रीडम फाइटर इंडिया में था वो यहाँ से उन्होंने घोड़ा लेके जंप किया था। तो ये वाला दिख रहा है ना ये वाला तो आतंकवादी हो रहता है ना मतलब जो आतंकवादी हो रहता है ना जो क्या बोलते हैं उसको फ्रीडम फाइटर के समय पे दुश्मनों को तो मारने के लिए यहाँ से जो मिलिट्री वाला रहता है ना जो हमारा सैनिक है दुश्मनों को मारने के लिए यहाँ से रहता था तो गोली वगैरह मार के देखिए जो कौन मरा था ना इसी से बनाया गया ये वाला देखो ये इधर वाला बनाया गया है और ये वाला बनाया गया है क्योंकि जो आतंकवाद जो कुछ भी आएगा तो यहाँ पे से भी गोली लेके यहाँ के मारने के लिए इसको पैंट बता दिया है कि यहाँ पे जो हमारा इंडियन मिलिट्री था ना वो मिलिट्री है इसलिए यहाँ से देख रहा था वो लोग तो कौन कौन था कौन कौन इसलिए इसको टीचर बना गया है बहुत पुराना साल ऐसा भी इसको 1000 साल हो गया है 1000 बारह साल हो गया है बहुत पुराना ही है मंदिर इसे भी यहाँ से ना ये वाला जो हमारा इंडियन मिलिट्री लोग जो इंडियन सैनिकों था दुश्मनों को कौन भी आया तो यहाँ से देख के मारने के लिए ऐसा वाला बना गया है देखो ऐसा वाला इसी बना गया है बहुत ऊपर है नीचे से हम नीचे से आएगा तो 70 किलोमीटर था 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर है और बहुत नीचे से आने के लिए रास्ता है देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है उधर से हम ऊपर से बाइक का थ्रू आना पड़ता है और वहाँ पर पार्किंग दिया गया वहाँ पार्किंग करके ऊपर से हम लोग जाना पड़ता है देखो पार्किंग दिख रही है आपको वहाँ पर ना वही पार्किंग दिया गया एक मुझे दिख रहा नहीं वाला इसकी पार्किंग है देखिए वो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है देखने के लिए आपको देख सकते हैं कितना लोग आता है बस देने के लिए इसी भी टूरिस्ट पॉइंट आता है जो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है देखने के लिए कितना गाड़ी है कितने व्हीकल है बहुत लोग यहाँ से आता है इंडिया के कोने कोने वालों यहाँ पे देखने के लिए आएगा ऐसा इसका चार्ज भी होता है ज़्यादा चार्ज नहीं है सिर्फ 20 रुपये एंट्री फीस है और जो गाड़ी के लिए 40 रुपये ऐसा कुछ होता है तो टू व्हीलर के लिए 20 रुपये देगा और ऐसा 4 रुपये के 30 ऐसा होता है तो बहुत लोग इतने देखने के आते हैं बहुत अच्छा पॉइंट है कभी भी आप आने के लिए मन करेगा तो आ सकता है बेंगलुरु से नंदी हिल्स बहुत बस वगैरह मतलब बस और टू व्हीलर पे कार बहुत मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पे आकर छोड़ देगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट पर आ सकते हैं सिर्फ 20 रुपये एंट्री चार्ज ज़्यादा नहीं है देखने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने फ्री बस दिया गया है सभी घूमने के लिए कर्नाटक से थ्रू से कर्नाटक सरकार ने फ्री बस दिया गया है कितना है वाला फोर्ट ये वाला बहुत बड़ा फोर्ट था इधर स्टेट के भारत भारत में टूरिस्ट का टूरिस्ट को मतलब घूमने के लिए रोड बना गए Thank you.